हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सबका माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला मुझे स्काई ब्लॉक खेलने के लिए। एंड लास्ट टाइम अपन ने स्काई ब्लॉक खेला था पॉकेट एडिशन में, तब मैं दो ही एपिसोड रिकॉर्ड कर पाया था। तो उसके बाद हम जावा पे मूव हो गए थे। तो उसके बाद से मैंने एक बार सोचा कि यार सर्वाइवल सीरीज एक बार सेट हो जाए, उसके बाद अपन स्काई ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्काई ब्लॉक। तो काफ़ी ऑसम जर्नी रहने वाली है। एंड काफ़ी ज़्यादा मैप्स मैंने ट्राई आउट करे थे, बट ये वाला मैप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। एंड इसमें काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो अगर आप लोग भी सेम स्काई ब्लॉक मैप खेलना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए उसको। एंड यहाँ पे हमारे पास है लावा, आइस, वाटरमेलन है, पम्पकिन सीड है, शुगर कैंस है, एंड टर्टल एग भी है, एंड 10 ऑब्सीडियन है। तो ये सब बेसिक स्टफ इस चेस्ट के अंदर है। एंड यहाँ पे एक सरप्राइज है, जैसे ही हम अपन इस डर्ट को तोड़ेंगे हम सीधा जाने वाले हैं नेदर के अंदर। यस, तो हम आ गए नेदर के अंदर। तो क्योंकि यार यहाँ पे एक नेदर अपडेट है जिसकी वजह से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेदर के अंदर से। तो यहाँ पे लकड़ी हमें इस पेड़ से मिल जाएगी, वो बाद में देखते हैं, पहले चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे डॉक्टर ट्रोंग की एक बुक पड़ी हुई है, क्योंकि इस मैप के जो क्रिएटर हैं वो है डॉक्टर ट्रोंग। एंड पढ़ लेते हैं भाई क्या है, क्योंकि ये लेटेस्ट माइनक्राफ्ट मैप है, नेदर अपडेटेड है, काफ़ी ऑसम होने वाली है जर्नी एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इस बुक के अंदर नेदर अपडेट के बारे में लिखा हुआ है। एंड अब हमें ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। ओके, तो ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए हमें नॉर्थ इस साइड में जाना है। एंड इस साइड में हमें ओवरवर्ल्ड में जाने के लिए नेदर पोर्टल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें बहुत सारे ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ऑलमोस्ट 3 स्टेक्स चाहिए होंगे। एक बार मैंने खेल लिया है इसको ताकि मैं पता चल सके कितना दूर है, क्या है सब कुछ। तो बाकी तो अपन सर्वाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन एक काम कर सकते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। एंड अब ये स्टेक्स कहाँ से आएंगे अपने पास, जो भी है डर्ट वर्ट डर्ट तो खैर नहीं मिल सकती हमें। तो अपन यहाँ पे बना सकते हैं बसोल्ट जनरेटर। तो बसोल्ट जो है हमें मिल जाएंगे, उससे अपन जा सकेंगे ओवरवर्ल्ड में। तो पहले मैं यहाँ से लकड़ी निकाल लेता हूँ, तो ये जितनी भी है निकाल लेते हैं इसको। देन इससे अपन पिकेक्स बना सकेंगे ताकि अपना थोड़ा सा काम हो जाए। तो फटाफट से ये सारी निकाल लेता हूँ। ओके, ये हो गया, डन। नाउ यहाँ पे सोल सैंड है, तो सोल सैंड के ऊपर बसोल्ट जनरेट होने लग जाएंगे। बसोल्ट एक तरह से पत्थर होगा, अगर नहीं पता आप लोगों को तो, वैसे मुझे भी नहीं पता था, बाद में पता चला। बट चलो इसको तोड़ लेते हैं, यहाँ पे काम आ जाएंगे ये सारे। ओके, तो इन सबको थोड़ा बहुत तोड़ लेते हैं, ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है अभी। उसके बाद अपन जो वुड मिली है उससे बनाने वाले पिकेक्स। तो पिकेक्स के बाद ब्लैक स्टोन जो यहाँ पे इस सरफेस पे है, ये ब्लैक स्टोन, तो इसको तोड़ेंगे। एंड यहाँ से अपन स्टोन की पिकेक्स बना सकेंगे। तो काफ़ी जल्दी बसोल्ट, पहले तो हमें बसोल्ट जनरेटर बनाना है। तो उसके लिए फटाफट से बनाते हैं, यहाँ पे प्लैंक्स बना देते हैं। नाउ अब एक काम करते हैं यार, मैं ये बुक खोल लेता हूँ, रेसिपी बुक। वैसे मुझे इतनी चीज़ें याद करता नहीं मैं, यहाँ पे कौन कौन सी रेसिपी में क्या है। तो थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हैं। नाउ अब अपन एक काम कर सकते हैं, मुझे पहले बनाना होगा यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए आई थिंक थोड़े बहुत और प्लैंक्स लगेंगे, तो प्लैंक्स ले लेते हैं। नाउ अब अपन बना सकते हैं क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल को एक सेकेंड यहाँ पे रख देता हूँ मैं एक बार के लिए। नाउ अब हमें बनानी है पिकेक्स। तो पिकेक्स बनाने के लिए थोड़े बहुत प्लैंक्स और बनाने पड़ेंगे भाई। तो ये लकड़ी इसी काम आने वाली है, तो वुडन की एक बनाएंगे, उसके बाद स्टोन की यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अब चेस्ट के अंदर से यहाँ पे इनको ले लेते हैं, ये काम आ जाएंगे हमारे बसोल्ट जनरेटर बनाने में। तो यहाँ से अब पिकेक से थोड़ी सी ब्लैक स्टोन तोड़ लेते हैं। एंड नीचे पता नहीं ये है, बोन का शायद कुछ है, तो इसको बाद में तोड़ेंगे, पहले यहाँ से निकाल लेते हैं थोड़े बहुत ब्लैक स्टोन। 4 निकल गए, तो 3 स्टोन से अपन एक स्टोन की पिकेक्स बना सकेंगे। तो काफ़ी जल्दी से अपन जो बसोल्ट हैं उनको कलेक्ट कर सकेंगे। एंड काफ़ी ड्यूरेबिलिटी भी तो रहेगी ना यार, बाकी अपन वुडन की जो पिकेक्स है ना उसको तो ज़्यादा लंबी चली नहीं सकेगी। तो यहाँ पे रखना है अपने को आइस। एंड यहाँ जो सोल सैंड है यहाँ पे जनरेट होंगे हमारे बसोल्ट।
तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कवर करके जगह करनी पड़ेगी ताकि अपन लावा डाल सकें। तो ऑल राइट, तो वो ब्लॉक है वहाँ पे लावा आ जाएगा एंड यहाँ पे बसोल जनरेट होने लग जाएगा। तो लावा रख, तो अब लावा को हमें इस ब्लॉक में रखना है। ऑल राइट नाउ, ब्रिलियंट, चलो बसोल्ट जनरेट होने लग गए हैं। अब बाकी की चीज़ें मैं फटाफट से रख देता हूँ वापस अंदर, कहीं गिर विर गया, मर वर गया तो शुरू से खेलना पड़ जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं जितने हो सकते हैं, अभी तक तो एक भी कलेक्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, फिर से लावा में जा रहा है, मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा तरीका। तो फाइनली बसोल्ट मिल गया हमें एक, तो ऐसे हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टैक्स चाहिए, तो फटाफट से मैं कलेक्ट करता हूँ। तो अपनी वुडन की पिकेक्स ख़त्म हो गए एंड मेरे को सिर्फ 45 ही बसोल्ट मिले हैं, तो एक स्टैक भी पूरा नहीं हुआ। तो अब अपन जो है यहाँ पर रखने वाले स्टिक्स, उसके ऊपर रखने वाला ब्लैक स्टोन, जिससे हमें स्टोन की पिकेक्स मिल जाएगी। नाउ अब अपन अच्छे से बसोल्ट को जो है माइन कर पाएंगे। चलो अब अच्छे खासे फटाफट से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जितने कलेक्ट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक स्टोन है, तो अब जितनी भी पिकेक्स बनेगी सारी बनने वाली है स्टोन की, तो ये इसीलिए यूज़ होने वाला है। एंड यहाँ से मैं थोड़ा बहुत तोड़ के ले जाने भी वाला हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में। तो भाई अब देखिए आप, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से कलेक्ट हो रहे हैं, तो फटाफट से मैं सारे कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में। A few moments later. All right, finally मजदूरी ख़त्म हुई। ऑलमोस्ट आपको बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड, 7 स्टैक्स फुल कलेक्ट किए हैं एंड 16 ऊपर है, ब्लैक स्टोन भी 4 एक्स्ट्रा बच गए हैं। चलो इनको भी रख देते हैं, यहाँ पे बाद में काम आएंगे। एंड पिकेक्स भी वुडन की एक बना दी थी मैंने गलती से, स्टोन की ख़त्म हो गई थी एंड ब्लैक स्टोन बचा नहीं था मेरे पास। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से इसको निकालते हैं, थोड़े बहुत इनको भी लेके चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे मुझे एक लाइट मिलने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली, ये रही श्रूम लाइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है आगे जाके, तो इसको ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। एंड अब अपन निकलने वाले हैं नेदर पोर्टल की तरफ, तो ओवर वर्ल्ड में जाना है, मेन तो वही काम है, ये तो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है बट सारा काम हमें वहीं करना है। एंड नेदर पूरा अपडेटेड होने वाला है, तो यहाँ पे पिगलिंस, घास सारे मिलने वाले हैं, तो ये बोन ब्लॉक हैं इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं यार, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। तो क्या काम आते हैं अभी तो मुझे नहीं पता, बट एक सेकेंड, इसके नीचे और भी लेयर है क्या, इसको तोड़ के देखें क्या एक बार, ओ नहीं गया है, अच्छा वो मैं इसके ऊपर नहीं खड़ा था बाकी मैं चला जाता। तो एक इसको पैक कर देते हैं भाई, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। चलो तो ये चीज़ें मैंने रखी है, यहाँ पे एक काम करते हैं, चेस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी ले लेते हैं एंड यहाँ से चेस्ट भी लेके चलते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट पड़ा क्या करेगा वैसे भी, तो अपने काम आने वाला है चेस्ट, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रख देता हूँ। तो 3 स्टैक्स हमें चाहिए होंगे ऑलमोस्ट पहुँचने के लिए नेदर पोर्टल पर, तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ चेस्ट को, एंड उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल को भी साथ में लेके चलते हैं। ये भी यहाँ पे क्या करेगा वैसे, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। एंड काफ़ी मज़ेदार जर्नी रहने वाली है यार, काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाली है, एंड काफ़ी अच्छा मैप है, काफ़ी ज़्यादा मैंने मैप्स ट्राई करे थे बट ये मैप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अपडेटेड है, एंड देखते हैं कैसा मज़ा आने वाला है, देखते हैं। चलो तो बचे हुए जो ब्लैक स्टोन थे वो भी मैंने कलेक्ट कर लिए, क्योंकि यार आगे जाके स्टोन के टूल बनाने में काम आएंगे। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यार कोबल स्टोन जनरेटर बनाना ही पड़ेगा हमें ओवर वर्ल्ड में जाके, बट यहाँ से अपन जाने वाले हैं सामने की तरफ, तो ब्रिज बनाना पड़ेगा हमें। एंड जैसे जैसे अपन आगे जाते जाएंगे एंड यहाँ पे जो है स्पॉन होते रहेंगे मॉब्स, पिगलिंस एंड ये भी स्पॉन होंगे, तो बस लकी रहे सब कुछ। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं अपन, एंड सामने की तरफ रहा नेदर पोर्टल, वो रहा वहाँ पहुँचना है हमें। एंड भाई पिगलिन भी स्पॉन होने लग गया है, बस इधर की तरफ ना देखे, मैं फटाफट से पहुंच जाऊं। तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अपन बस, ओके तो फाइनली पहुंच गए यार, ज़्यादा कुछ पंगा नहीं हुआ, अच्छा हुआ। एंड यहाँ पे मुझे गास्ट की आवाज़ आ रही है यार, भाई एक सेकंड यार मैं, और शेट 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 हमला कर दिया यार इसने तो। एंड नेदर पोर्टल भी मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा बट, ओ नहीं अच्छा फायर से एक्टिवेट हो गया यार, मेरी हेल्थ बहुत कम बची है, फटाफट से मैं निकल जाता हूँ यहाँ से।
भाई पहुंच गए यार बाहर की तरफ। अभी तो गास्ट ने बिल्कुल हालत ख़राब कर दी थी भाई, हेल्थ सिर्फ 3 हर्ट्स बचे थे। एंड यहाँ पे कितने सारे आइलैंड हैं यार, बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे तो। एंड अपना वो रहा सामने पेड़, तो वहाँ पे जाना है हमें, बट मुझे उस साइड जाना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ी बहुत फ्लैश खा लेता हूँ, रोटन फ्लैश। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। नहीं नहीं मुझे वापस नहीं जाना भाई नेदर के अंदर, अभी तो मैं जाना ही नहीं चाहता भाई। गास्ट ने हमला कर दिया यार, सब कुछ सही चल रहा था, एंड में जाते सब बस गास्ट ने बैंड ही बजा दी थी अपनी। अभी मैं सारे आइटम लॉस्ट हो जाते हैं एंड यहाँ से अपन निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, वापस शुरू से खेलना पड़ता। बट चलो लकी रहे बच गए अपन, तो फटाफट से मैं ब्रिज बनाता हूँ एंड वहाँ तक पहुँचना है मुझे, तो मिलता हूँ कुछ ही देर में। A few moments later. तो गाइज नाइट हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अपन। एंड यहाँ पे जो है मॉब्स भी स्पॉन होने लग गए, तो बस फटाफट से पहुंच जाऊँ यार मैं। एक बार मैं सारे आइटम जो है स्टोर कर दूँ चेस्ट के अंदर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो पेड़ के ऊपर ही उतरना पड़ेगा मुझे। चलो फाइनली पहुंच गए बस। एंड वो रहा स्केल्टन भाई, देखे ना मुझे बस बाकी। ऑल राइट बच गए भाई, चलो फटाफट से मैं इनको स्टोर कर देता हूँ। अब तो मर भी जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, सारे आइटम जो है अपने सेव हो गए हैं। एक्सपी लेवल तो कुछ है नहीं अपने पास, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पे स्केल्टन स्पॉन हो गया है, ऊपर मॉब्स भी स्पॉन होने लग जाएंगे थोड़ी देर में। तो वापस मैं आ गया हूँ पेड़ के ऊपर एंड यहाँ से इनको तोड़ के, तो नाइट है क्या करेंगे अब यहाँ पे खड़े खड़े, उससे अच्छा है थोड़ी बहुत सैपलिंग्स इकट्ठा कर लेते हैं पेड़ को तोड़ के। आई थिंक एक सेपलिंग तो मिनिमम मिलती ही मिलती है, दो मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा है, बट एक तो मिल ही जाएगी, तो फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। ओ मिल गई सेपलिंग, वेरी गुड। चलो एक और मिल जाए बस सेपलिंग, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं इस ब्रिज को तोड़ देता हूँ यार, अगर मॉब्स स्पॉन होने लग गए तो ब्रिज को मैं थोड़ी देर बाद तोड़ता हूँ। मैं पिकेक्स भूल गया, वहाँ चेस्ट के अंदर रख दी थी, तो पहले मैं यहाँ पे वुड निकाल लेता हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है यहाँ पे, एंड आई थिंक एक वुड और तोड़ सकता हूँ मैं। चलो ये काम हो गया है, वुड को रख देते हैं संभाल के, सेपलिंग सबसे ज़रूरी है, सेपलिंग को संभाल के रखना। एक फूल भी मिल गया है हमें, तो अब मैंने पिकेक्स ले लिए, अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ से जो मैं बसोल्ट के थ्रू चढ़ा था पेड़ के ऊपर, तो इनको निकाल लेते हैं। तो यार मैं इनको तोड़ देता हूँ एंड उसके बाद इस ब्रिज जो बना रखा है ना, इसको थोड़ा आगे तक तोड़ देता हूँ जहाँ तक मैं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि यार अगर मॉब्स क्रीपर यहाँ पर उतर गया ना, फट गया ना भाई, तो अपने पूरे वर्ल्ड की बैंड बच जाएगी स्टार्ट में ही। तो यहाँ से मैं तोड़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यार इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं। देखते हैं कितना लॉन्ग अपन जा सकते हैं, कितनी लंबी ये सीरीज़ बन सकती है, कितने एपिसोड की, तो वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। बस अब नहीं तोड़ सकता मैं, ऑलमोस्ट तोड़ ही दी थी सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे मेरी क्राफ्टिंग टेबल को मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर इसके पास चेस्ट के, एंड बाकी इनको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इनको तोड़ने के बाद अपने को सीड मिल सकता है, तो सीड काम आ जाए। ओके सीड मिल गया एक, चलो एक दो मिल गए, ओके तो अपन खेती भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने पास ओके, तो मॉब्स भाई स्पॉन भी हो गया ज़ोंबी यहाँ पे, तो यार ज़ोंबी पूरा कॉर्नर पे खड़ा है। एक काम कर सकते हैं अपन, इसको वहाँ से ब्रेक करके इसके ऊपर चढ़ के ब्रेक कर सकते हैं, लास्ट टाइम साइड से ही तोड़ा था, तो यहाँ से तोड़ सकते हैं इसको, गिराते हैं सीधा, जा भाई धरती पे। भाई क्या गया यार, गेम ओवर इसका। तो फाइनली जो है मॉर्निंग हो गई है एंड यहाँ पे मैंने एक एक लेयर डर्ट की निकाल दी है। इस सरफेस को थोड़ा सा फैला देते हैं अपन, उससे पहले सैपलिंग बो देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि पेड़ बड़ा हो जाए, थोड़ी सी लकड़ियाँ और मिल जाए अपने को। तो जितनी भी मैंने ओक लोग हैं उसको प्लैंक में बना देते हैं एंड प्लैंक से अपन इसको स्लैब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्लैब भाई काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं अपने को, 48 मिल गए भाई, बहुत सही। तो यहाँ से अपन लगा देते हैं, एक सेकेंड ऊपर की साइड में लग गया थोड़ा सा, इसको मैं नीचे की साइड पे लगाना है कि ओके यहाँ से लगा देते हैं एंड इस सरफेस को थोड़ा सा फैला देते हैं।
देन नेक्स्ट एपिसोड में अपन बनाने वाले हैं कोबल स्टोन जनरेटर एंड बाकी सारी चीज़ें भी करेंगे, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको सरफेस का काम कर देता हूँ। तो सरफेस का काम हो चुका है, अच्छा खासा फैला दिया मैंने, एंड यहाँ पे अपन नेक्स्ट वीडियो में कोबल स्टोन जनरेटर भी बना देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।